राजस्थान से है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनावी अभियान पर लग गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही राजस्थान में डीजल पेट्रोल के रेटों की समीक्षा की जाएगी और लोकहित में जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार राजस्थान में 12 रुपये प्रति लीटर लोगों की जेब से मार रही है और कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भर रही है, जबकि यूपी, हरियाणा और गुजरात में पेट्रोल के रेट 97 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब राजस्थान की जनता कह रही है कि 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर, वही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के मर्दों वाले प्रदेश वाले बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाले मंत्री को टिकट देकर कांग्रेस ने इनाम दिया है। दलितों के खिलाफ भी अत्याचार के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कांग्रेस स्वभाव से ही दलित विरोधी है। मैं एक सबसे ताजा उदाहरण आपको देता हूं। अभी हाल में ही देश को पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त मिला, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उनका नाम है हीरालाल सामरिया जी। ये दलित मां का बेटा हीरालाल, ये आपके इसी डीग गांव के रहने वाले हैं। ये डीग थोड़े समय पहले तक भरूची, ये हमारे भरतपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस को एक प्रतिभाशाली दलित अधिकारी की नियुक्ति भी पसंद नहीं आई। इसके लिए जो मीटिंग रखी गई थी उसका भी कांग्रेस ने बायकॉट किया। कांग्रेस एक दलित अफसर को ऊंचे पद पर पहुंचते हुए देख ही नहीं सकती।